जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आइए जी, एक और रेसिपी लेके आए हैं आज हम। तो मूंग दाल है और इसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगा के रखा हुआ है, और इसमें भिगाते समय हमने थोड़ा सा सोडा डाल लिया है। तो जो नमकीन मार्केट में मिलती है बाज़ार में मूंग दाल की नमकीन, तो आज मैं जो है मूंग दाल की नमकीन की रेसिपी बना रहा हूँ। तो इस दाल को अभी अच्छे से पहले तो हमें पानी से अलग कर लेंगे, छन्नी से। इस तरीके से छन्नी में हम छान लेंगे। तो ये देखिए जी, हमने छान लिए दाल, पानी से अलग कर लिए। इसको अच्छे से हमने 2-3 पानी से और धुलाई कर लेंगे हम। अभी दाल का जो है हम पानी निचोड़ने देंगे अच्छे से। तो आधे घंटे के लिए आप इसको इस तरीके से हम जो है रख देंगे दाल को, ताकि इसका पानी जो भी है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है लेकिन अभी भी हमारी दाल जो है गीली है। तो अभी हमें करना क्या, एक साफ कपड़ा ले लेंगे और एक ट्रे लिया है हमने। ट्रे के ऊपर इस तरीके से आप इस कपड़े को ऐसे फैला देंगे, और फैलाने के बाद कपड़ा जो है कॉटन का लें आप, ताकि अच्छे से इसमें पानी इसका सोख ले और हमारी दाल बिल्कुल सूखी हो जाए। तो इस पर फैला देंगे इसको अच्छे से हम चम्मच से, या चाहे तो आप हाथ से भी फैला सकते हैं। इसको पूरे ट्रे पे हम इस तरीके से फैला लेंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से बढ़िया तरीके से ये सूख जाए। और आपको पता है इस दाल में प्रोटीन कितने होते हैं, मूंग की दाल है तो हर किसी लोगों को पसंद है ये दाल, और बच्चों को भी नमकीन आपकी बहुत अच्छी लगेगी आज। अब इस दाल को मैं जो हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पंखा चलाकर उसके नीचे रख देंगे, ताकि ऊपर से भी हवा से भी हमारी दाल पानी जो है सूख जाए, और नीचे से कपड़ा भी हमारा पानी को सोखेगा। तो आइए जी 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, दाल हमारी सूख चुकी है। 15 मिनट हमने पंखे में रख दी है, और जो है थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से भी, जो साइड में कपड़ा है, इस तरीके से हम इसको सुखा लेंगे अच्छे से एक बार। और अब इस दाल को जी हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। इस तरीके से कपड़े को ले लेंगे, आसानी से निकल जाएगी ये, और दूसरी प्लेट में हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, दाल बिल्कुल हमने दूसरे थाली में निकाल ली है बर्तन में, और ये लिए हमने छन्नी। इस छन्नी में डालेंगे थोड़ी थोड़ी दाल और हम फिर फ्राई करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम तेल में डायरेक्ट दाल को डालते हैं तो हमें निकालने में परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप छन्नी ले लें और छन्नी को डिबो डुबो कर ही हम इसको तेल में इस तरीके से, ये देखिए ऐसे इस तरीके से रख देंगे, और बीच बीच में इसको हिला लेंगे जी इस तरीके से। हम ये इस तरीके से इसको डुबाते रहें, और अगर तेल ऊपर आता है फूल के तो आप फिर एक बार ऐसे छन्नी ऊपर उठा लें, जिससे कि ये आसानी से चारों तरफ से बढ़िया कुरकुरी एकदम पककर तैयार हो जाएगी हमारी नमकीन। ये देखिए, और ये बहुत ही जल्दी मिनटों सिंटों में नमकीन हमारी बनकर रेडी हो जाती है, और फ्राई भी जल्दी होती है। तो इस तरीके से आप चलाते रहें और इनको फ्राई करते रहें। तो ये देखिए जी, हमारी दाल फ्राई हो चुकी है, और इसकी पहचान आपको जो है ये है कि ये सुनहरी हो चुकी है हल्की हल्की, और जो है ये ऐसे तरीके से भी अगर आप हिलाएंगे तो छन्नी में भी एक आवाज़ आएगी। तो समझ लीजिए कि आपकी दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे हम, एक तेल इसका निकाल झाड़ लेंगे इस तरीके से, और एक पेपर के ऊपर हम इसको फैला देंगे, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो बाहर निकल जाए हमारा। फिर हम दूसरे पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, अभी इस पे डालेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी दाल को फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से जी हम दूसरी दाल को भी फ्राई कर लेंगे, और ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाती है। और जो है गैस है जी तेज बिल्कुल, तो आप भी गैस तेज करके ही इस दाल को फ्राई कर लेंगे। ये दाल हमने फ्राई कर ली है पूरी, इस पेपर पे निकाल रखी है हमने सब। अब इसको हम दूसरे पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि जो और बचा हुआ हमारा तेल है वो सब तेल भी बाहर हमारा निकल जाएगा। तो ये दूसरी थाली ले ली है, देखिए इस पेपर में
अब इस दाल को आराम से उठा के हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए जी, नमकीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी और पूरा तेल भी बाहर आ गया। कुछ मसाले डाल देते हैं। ये गई जी थोड़ी सी नमक, नमक डाल दूंगा मैं थोड़ी सी, नमक कमी रखेंगे इसमें। और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला बिल्कुल चुटकी भर। और जी थोड़ी सी, अगर आपको पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं हल्का सा, बिल्कुल कमी, एक चुटकी के आसपास। और इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और ये रेडी हो चुकी है। तो आप इस नमकीन के साथ चाहें तो, अगर आप प्याज खाते हैं तो बारीक बारीक प्याज भी ऊपर से काट के डाल सकते हैं, और बाकी हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च बारीक काट के ले सकते हैं आप। तो जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से आप खा सकते हैं इसको बनाकर। तो ये हमने एक आज और रेसिपी आपको बनाई है, दिखाई है मूंग दाल की नमकीन घर पे कैसे बनाए और फटाफट एकदम जल्दी बन जाती है। तो आप लोग भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नई से नई रेसिपी तुरंत मिलती रहे। तो बाकी खाइए पिए मौज लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।